बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हॉट विंग्स की रेसिपी। सबसे पहले हम बैटर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक अदद अंडे को अच्छी तरह से फेंट लिया है। उसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड किया है और उसके बाद मैंने इसमें 1/4 कप मैदा ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर। इन सबको हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे और साथ ही मैंने लिया है 1/2 कप पानी, इसमें मैंने ऐड कर दिया है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है ताकि इसके सारे लम्स ख़त्म हो जाएं। बेहतर आपका कुछ इस तरह से होना चाहिए। फिर मैंने साथ एक प्लेट में कॉर्नफ्लावर और मैदा मिक्स किया है 1/2 कप और 1/2 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इन सबको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मैंने लिए हैं चिकन विंग्स, इस तरह से मैंने काट दिया था 2-2 पीसेस में इन्हें अच्छी तरह से, ताकि अच्छी तरह से कोट हो जाए। और उसके बाद हम ड्राई मिक्सचर में ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसे कोट कर देंगे। दबा दबा कर हम इसे कोट कर देंगे और फिर से बैटर में डिप कर देंगे। दबा दबा कर हम इसे कोट करेंगे और थोड़ा सा शेक कर देंगे तो इस पर क्रिस्पी बनते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए, तो इसमें हम अपने विंग्स फ्राई करेंगे। सारे चिकन विंग्स मैंने रखना है एक साइड से, ये फ्राई हो जाए तो हम इन्हें टर्न कर देंगे और तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे जब तक ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। ये देखें, मैं आपको अभी दिखाती हूँ चेक करके। ये देखें कितने क्रिस्पी हैं, बहुत ही क्रिस्पी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फिर उसी पैन से मैंने ऑयल हटाकर 1/2 कप ऑयल छोड़ दिया है और उसमें मैंने चॉप गार्लिक ऐड किया है। 4-5 क्लोव्स लिए थे मैंने गार्लिक के। इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है मैंने और 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। साथ ही मैंने लिया है 5 टेबल स्पून लिया है मैंने ऑयस्टर सॉस। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और 4 टेबल स्पून लिया है मैंने चिली सॉस, फ्लेम को हमने हाई पे रखना है। और 1/2 कप मैंने केचप ली है। हाई फ्लेम पर पकाएंगे इसे थोड़ा सा और उसके मिक्स कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से कोट हो जाए। फ्लेम को हमने हाई पे ही रखना है। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। तो अब हम विंग्स को डिश आउट कर लेते हैं। ज़रूर ट्राई करें, इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। फी अमान अल्लाह।